Hey guys, welcome to GadgetsLife. मेरे पास है iPhone 12. इसको मैंने finally buy कर लिया है. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे request करते थे कि iPhone 12 को buy करो, उसको review करो, iPhone 10 और iPhone 11 के साथ compare करो. तो काफ़ी time से यहाँ पे मैंने अच्छी deal ढूंढ रहा था, but मुझे मिल नहीं रही थी. अब फाइनली मुझे अच्छी डील मिली OLX से, मैंने इसको बाय कर लिया है. आप देख सकते हैं कंडीशन आपको किस तरह की देखने को मिलती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन देखने को मिलती है, कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है. तो सारी चीज़ें आपको रिवील करने वाला हूँ इस वीडियो में, मैंने कितने का बाय करा एंड कैसे बाय करा, इसका मुझे इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिली, इन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ. सो अगर बात करूँ इन एंड फील की, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील देखने को मिल जाता है आईफोन 10 और आईफोन 11 के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको वेट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाता है एज़ दोज़ फोन्स, एंड इसमें आपको फ्लैट एजेस देखने को जाती हैं. इसमें आपको यहाँ पे बीजल साइज बहुत कम देखने को मिल जाता है, ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है. तो काफी यहाँ पे डिफरेंसेस निकल कर आ जाते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे इन एंड फील ज्यादा प्रीमियम फील होता है एज कम्पेयर टू आईफोन 10 और आईफोन 11. एंड बात करें और सारी चीजों की, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, फोन बिल्कुल सही है, वर्किंग है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है. सारी चीज यहाँ पे मैंने चेक करके ली थी, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है किस तरीके से आप अपने आईफोन को चेक कर सकते हैं खरीदने से पहले, तो यहाँ पे उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना. तो इसको भी मैंने बाय करा है OLX से. तो सारी चीजें मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूं. आपको सबसे पहले बताता हूं कि यहां पे उस पर्सन ने कितने का ये फोन बाय करा एंड क्या रीजन था सेल करने का. तो यहां पे एक पर्सन ने इस फोन को बाय करा था 68,000 रुपए का, मतलब 68,000 रुपीज का. एंड उस पर्सन ने इस फोन पे 2,000 एक्स्ट्रा लगाए थे, मतलब आप देख सकते हैं इसमें टेम्पर्ड वगैरह पहले से इंस्टॉल्ड है, पीछे यहां पे ग्लास उसने अप्लाई करवा दिया था. उसने मुझे इस फोन के साथ एक कवर भी यहां पे प्रोवाइड करा है, उसी के साथ जो हमारा 20 वॉट्स का फास्ट चार्जर आता है एंड जो लाइटनिंग टू 3.5 mm कन्वर्टर आता है, उस पर्सन ने वो भी बाय करे थे. तो सारी चीजें उस पर्सन ने बाय करी थी, उसको यहाँ पे सब चीजें मिला के उसने बताया 70,000 रुपए का इसको ये फोन पड़ा था. मैंने बात करी पर्सन से, तो यहाँ पे उसने प्राइस डाला होता 67,000 रुपीज, मतलब सारी चीजों को मिलाकर जो इस फोन का आस्किंग प्राइस था वो था 67,000 रुपीज, उसने एड में मेंशन कर रखा था. बट आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ ये फोन कितना ओल्ड है. तो आप देख सकते हैं केवल ये एक हफ्ते पुराना फोन है, मतलब यहाँ पे उस पर्सन ने इसको बाय करा था 22 अगस्त 2021 को इसी महीने की. तो मतलब ये फोन एक हफ्ते पुराना लगभग आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूरी एक साल की वारंटी अभी देखने को मिल जाती है. तो यहाँ पे केवल एक हफ्ते पुराना फोन है, तो उसको यहाँ पे पैसों की नीड थी, उसको अर्जेंसी थी. इसका वैलिड बिल वगैरह सब कुछ मुझे मिला है, डोंट वरी गाइज, यहाँ पे सब चीजें जेन्युइन है. तो ये वाली डील मिलने से पहले यहाँ पे मैंने और आईफोन 12 सर्च करे, बहुत ज्यादा आस्किंग प्राइस था लोगों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 80,000 रुपए का फोन लिया था, तो वो एक एक साल पुराने फोन 55,000-56,000 रुपए के दे रहे थे. बट यहाँ पे मैंने इस वाले फोन को आफ्टर बारगेनिंग सब कुछ करने के बाद एंड इन सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद केवल 58,000 रुपीज में बाय करा, मतलब 58,000 रुपए में मैंने आईफोन 12 बाय करा, केवल एक हफ्ते पुराना. आप देख सकते हैं वो भी सारी चीजें यहाँ पे उस पर्सन ने अप्लाइड कर रखी थी, ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास वगैरह कुछ भी मुझे यहाँ पे लगवाने की नीड नहीं पड़ी. तो गाइस क्या लगता है आपको, कैसी रही है डील सारी चीजों इंक्लूड करने के बाद? मतलब इसने जो अडेप्टर दिया, मैंने ऑल दो उसको चेक करा तो वो ओरिजिनल अडेप्टर नहीं है, क्योंकि वो एक हाई कॉपी 20 वॉट्स का अडेप्टर एप्पल का, बिल्कुल फर्स्ट कॉपी जो आती है हमारी वो वाली कॉपी है. आप देख सकते हैं ये वाला केस भी उस पर्सन ने प्रोवाइड करा, जैसा कि आपको मैंने बताया केस की क्वालिटी मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगी, काफी ज्यादा लाइट वेट केस है, तो यहाँ पे मुझे अच्छी डील लगी, इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी इसके प्राइस अब ड्रॉप हो चुके हैं. आपको पता है कि इसका फ्लिपकार्ट पे अभी प्राइस करेंटली चल रहा है 65,000 रुपए के करीब, बट मेरे हिसाब से आईफोन 13 के आने के बाद और ज्यादा प्राइस कुछ ड्रॉप हो जाएंगे. बट यहाँ पे मुझे लगा कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन ही है, केवल एक हफ्ते पुराना फोन है, मतलब अनबॉक्सड है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ओल्ड जैसा इस फोन में नहीं था. सारी चीजें यहाँ पे मैंने चेक कर ली है, इसकी जो केबल है वो भी ओरिजिनल है, इसके साथ मुझे वैलिड बिल मिला है. बॉक्स आप देख सकते हैं, आपको मैंने दिखा दिया बॉक्स के अंदर कंटेंट मैंने इंट्रो में दिखा दिए. तो क्या लगता है आपको कैसी डील थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. तो केवल एक हफ्ते में यहाँ पे उस पर्सन ने 12,000 रुपए का घाटा खाया, तो आप देख सकते हैं केवल वन वीक में उसने इतनी सारी चीजें बाय करी, बट यहाँ पे उसने उन सारी चीजों का सेल कर दिया. तो गाइज आपको भी देखनी होगी डील मिल जाती है. मैं काफी टाइम से देख रहा था आईफोन 12 को खरीदने का, बट कोई भी अच्छी डील नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आस्किंग प्राइस लोग कर रहे थे, क्योंकि 55,000 से लेकर 56,000 रुपए लोग मांग रहे थे एक एक साल पुराने फोन का, जिसकी नवंबर में दिसंबर में वारंटी एक्सपायर होगी. तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा उन सारे फोन्स को, बट यहाँ पे मुझे लगा 58,000 में ब्रांड न्यू फोन लेना बिल्कुल वर्थ ही है. तो ऐसा आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ वगैरह ऑब्वियसली आपको 100% पूरी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ब्रांड न्यू फोन है, एक हफ्ते पुराना फोन है. सो गाइस काफी सारी वीडियोस अब आने वाली है इसकी, आईफोन 10 और आईफोन 11 के साथ कंपैरिजन करूंगा, कैमरा का, डिस्प्ले का, परफॉर्मेंस का, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि हर किसी का बजट
बजट नहीं है आईफोन 12 खरीदने का, तो इसके कंपैरिजन में आईफोन 10 और आईफोन 11 कितने यहाँ पे हमारे पुराने फोन्स हैं एंड कितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी प्रोवाइड करते हैं, सब चीज़ें आपको मैं अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये डील कैसी लगी है एंड आप अगर OLX से कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।